नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में कोविड 19 के मामलों में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम कुछ यूं है कि तेजी से कोविड 19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक वैज्ञानिक यही सलाह देते आ रहे थे कि कोविड 19 का यह नया वेरियंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन जानलेवा नहीं। मगर अब WHO ने बड़ी अपडेट जारी की है, जिसके तहत WHO ने साफ कहा है कि जो भी लोग इस नए वेरिएंट को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि यह वेरिएंट कभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड 19 के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम गंभीर लगता है, मगर इसे कमजोर या हल्के की कैटेगरी में नहीं रखे। इससे आम लोगों को ही परेशानी हो सकती है। WHO की माने तो अब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी डेल्टा की तरह लोगों की जान ले रहा है, साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मामलों की तादाद भी बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते में कोविड 19 के केस रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं। कोरोना का संक्रमण दर इतना अधिक है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। इसका असर दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम पर पड़ने वाला है। अस्पतालों में कोरोना को मरीजों की भीड़ का असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोविड 19 के बढ़ते केस के कारण अन्य बीमारियों से परेशान लोगों के इलाज में देरी भी हो रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए WHO ने साफ कहा है कि अस्पतालों में भीड़ कम होने के बाद ही ऐसे बीमार लोगों की जान जाने के वाक्या को टाला जा सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो दुनिया के 109 देश जुलाई 2022 की शुरुआत तक अपनी 70% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। उन्होंने विश्व में टीकाकरण की असमानता पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह पिछले साल की सबसे बड़ी विफलता थी। कुछ देशों के पास इस महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरण, परीक्षण और वैक्सीन है, जबकि कई देशों के पास बुनियादी आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। वैक्सीन की असमानता से वैश्विक आर्थिक सुधार की कोशिशों को धक्का लगेगा। हालांकि कोविड 19 के वेरिएंट को लेकर के चिंता कम नहीं हुई थी कि एक और नए वेरिएंट ने परेशानी बढ़ा दी है। कैमरून से लौटने वाले एक यात्री में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.640.2 का पता चला है, जिसको IHU का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार IHU वेरिएंट संक्रमित कैमरून के नागरिक ने कथित तौर पर दक्षिणी फ्रांस में 12 लोगों को संक्रमित किया है। इसके आने वाले समय में और ज्यादा प्रसार होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आगे कोरोना का नया वेरिएंट कौन कौन से नए रूप दिखाता है, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी है कि हम कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए नियमों का पालन करते रहे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।